नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाल न्यू मूवी अपडेट्स। जिस तरह से बिग बॉस आगे बढ़ता जा रहा है, कंट्रोवर्सी भी शुरू होती जा रही है। बिग बॉस के घर के अंदर की कंट्रोवर्सी के अलावा बिग बॉस के बाहर के घर की कंट्रोवर्सी हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है और कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में वो खींची गई है। और मुझे लगता है इसमें पहला नाम जुड़ने वाला है पवित्र पुनिया का। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाहर आप कह सकते हैं कि जो बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट थे पारस छाबड़ा, उन्होंने एक बात छेड़ दी है। अब क्या बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वहाँ पर उन्होंने कहा, पवित्रा ने कहा कि पवित्रा हैज़ राइटली सेड दैट पारस वॉज हर मिस्टेक बिकॉज ए मैरिड वुमेन कांट बी डेटिंग एंड फूलिंग मी। तो ये पारस कह रहे हैं कि एक मैरिड वुमेन जो है वो मुझे डेट और मुझे फूल नहीं बना सकती, यानी मुझे जो है उल्लू नहीं बना सकती। साथ वो ये कहते हैं कि मेरे लिए ये बिल्कुल अलार्मिंग था कि एक उनका पहले से उन्होंने उनकी शादी हुई है, उनका एक हस्बैंड है। तो मुझे तो तब पता चला कि जब उनके हस्बैंड ने मुझे मैसेज किया कि तुम और पवित्र पुनिया एक साथ रह सकते हो, जो मर्जी तुम्हें जितना मर्जी रहना हो रह सकते हो, लेकिन तब जब हमारा डिवोर्स हो जाएगा। तो उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा शॉक लगे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें रिवील हुआ कि क्या क्या इनके साथ चल रहा है। फिर वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता मैं, क्योंकि वो बिग बॉस 14 में है, बिग बॉस के घर के अंदर है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँगा तो उनकी गेम पे इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ पे ये मुद्दा बहुत उछलेगा। कहने को वो कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका जो है बिग बॉस 14 वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो। इसमें कहते हैं कि उन्होंने मुझसे छुपाया, वो एक शादीशुदा थी और फिर भी उन्होंने मुझसे छुपाया और मुझे जो है बाद में पता चला जब उनके हस्बैंड ने जो है मुझे मैसेज किया। ये कहते हैं कि 2018 के आसपास जो उनका रिलेशन हुआ था पारस का और पवित्र पुनिया का, और उस समय जो है वो किसी महेश्वरी नाम के आदमी से, बिजनेसमैन से वो जो मैरिड थी, और उस समय उन्होंने जो है चीट किया। वेल, ये बात कह दी पारस छाबड़ा ने। अब संडे के दिन ऑब्वियसली सलमान खान इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठा सकते हैं। वेल, आपको क्या कहना, कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।